पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसमें से भी कपड़े में से आपने बनाना हो इस तरीके से स्क्वायर पीसेस लेने। ये मैंने लिए 1, 2, 3 और 4, 4 स्क्वायर पीसेस लेने हैं। ये किस हिसाब से लेने हैं, ये अपने आपको अपने साइज के हिसाब से लेने हैं। ये मैं 36 इंच की बना रही हूँ, तो ये मैंने लिया है 9 इंच बाय 9 इंच। अगर मीन्स 36 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका जो भी साइज है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। अब से मैंने ये 9 बाय 9 इंच का ब्लॉक लिया है। अब सबसे पहले हम इसे शेप दे देते हैं। तो पहले हम 2 पीसेस पे दे देते हैं इस तरीके से, इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। ये मैंने फोल्ड कर लिया यहां से। फिर आपका जितना भी ये साइज हो इसका आपको हाफ लेना है। अगर आपका ये 10 बाय 10 इंच का 40 साइज की बना रहे तो उसका जो भी हाफ है 5 इंच आपको लेना है। ये 9 इंच है तो हम 9 इंच का हाफ ले लेंगे, 4.5 इंच। तो इसके सेंटर पॉइंट पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। एक निशान लगाया, एक निशान हमें यहाँ लगाना है। 1 इंच पे हमें यहाँ पे दूसरा निशान लगाना है। यहाँ से 1 इंच दूसरा निशान लगाया, इस निशान को इस निशान से इस तरीके से हल्का सा गोलाई में मिला दीजिए। से गोलाई शेप में कट कर दिया। अब यहां से भी इसे बीच में से सेंटर में से अलग कर, जैसे कटिंग इस पे की है वैसे ही इस पे भी कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया, तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब हम इस पे स्टिचिंग करते हैं। तो पहले 2 पीस उठाती हूं मैं, ये टोटल इस तरीके से एक सेट इसे रेडी करेंगे, एक इसे रेडी करेंगे, फिर इन्हें आपस में हम ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने ऐसे रख दिया, ये ऐसे रख दिया, इसमें से एक पीस उठा लिया इस तरीके से। इसे उल्टी तरफ को फोल्ड कर लीजिए, ये मैंने फोल्ड कर लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से इस वाले पे भी, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए। 1, 2 दोनों इस पे, और सेम उसी तरीके से इन 2 पीसेस पे भी आपको सिलाई लगानी है। इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कर लेते हैं। यहां से लेके यहां तक 3, और सेम ये वाला। तो ये हमारे पास 4 पीसेस आ गए जैसे हमने कट किए थे। 1, 2, 3 और 4, 4 चारों पीसेस पे सिलाई लगा ली। अब 2 पीस ले लीजिए, ये मैंने 2 पीसेस लिए, इसे रखना है इस तरीके से। ये रखा, इसे भी खोल के सीधी तरफ दोनों को मिला लीजिए। ये मैंने दोनों को मिला लिया इस तरीके से। मिलाने के बाद इस तरीके से आपको इसे बिछाना है, और यहां से 2 इंच लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इस कॉर्नर से मैं निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से, यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली, जब हम इसे खोलेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। तो एक कप साइज हमारा यहाँ ये बनेगा, और एक हमारा ये बनेगा इस तरीके से। ये आ गया, और सेम उसी तरीके से ये आ गया, 2 पीसेस हो गए। ये आएगा इसके ऊपर हमारा इस तरीके से, ये आएगा, दोनों सीधी तरफ रखनी है इस तरीके से। अब 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं। पहले हम यहाँ पे स्ट्रैप बना लेते हैं, क्योंकि स्ट्रैप हम अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। तो हम इन दोनों पीसेस को साइड पे रखते हैं,
और हम स्ट्रैप के लिए कपड़ा लेते हैं। इसकी लंबाई मैंने ली है 19 इंच, ये मैं एडजस्टेबल बनाऊंगी, और ये मैंने लिया है 2 इंच। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे फोल्ड करके हम स्ट्रैप को रेडी कर लेते हैं। तो 1 फोल्ड 2 फोल्ड और इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे और इस पे दोनों पे सिलाई लगानी। स्ट्रैप को मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें एडजस्टर्स चाहिए, या आप अपनी किसी पुरानी ब्रा में से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो मार्केट में इजिली मिल जाते हैं, जहाँ पे सुई धागा मिलता है वहाँ से ले सकते हैं। अब हम पहले इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से स्ट्रैप ली, इसी स्ट्रैप में से 2 इंच कट कर लीजिए। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 2 इंच मैं दोनों स्ट्रिप्स में से कट कर लूँगी। ये मैंने कट कर लिया, तो ये दो हमारी स्ट्रैप आ गई। अब हम इसमें एडजस्टर डाल देते हैं। तो यहाँ से इसमें एडजस्टर को डालना है, इस तरीके से मैंने डाला। इस पे सिलाई लगा लीजिए और सेम उसी तरीके से इस पे भी सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, ये दोनों पे मैंने बकल डाल के इस तरीके से सिलाई लगा ली। तो दोनों हमारे रेडी हो गए। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने से पहले ये दोनों पीसेस मैंने इस तरीके से रखे, इसके ऊपर बिठाते हुए यहाँ ऊपर वाली तरफ जहाँ पे हमने ये लगाने हैं, यहाँ पे हम ऊपर की तरफ इसे शेप देंगे हल्की सी। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसे शेप देंगे। 1.5 इंच आपको यहाँ से लेना है इस तरफ, और 1.5 इंच लेना है नीचे की तरफ। इसको इस कॉर्नर से हमें इस तरीके से मिला देना है और इस पे कट लगा देना है। इससे हमारा साइड का आर्म होल वाली साइड बनेगी, और इसकी हम इसी शेप में कट कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। ये हमारा इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमारा ये राउंड वाला ये लगेगा। जैसे कटिंग इधर की है, सेम ऐसे ही हमें इस तरफ भी इसे शेप देनी है। 1.5 इंच 1.5 इंच शेप दे दी, इसे मिला दीजिए। तो इस तरीके से हमारी इसकी शेप आ गई। अब हमें क्या करना है, ये वाला लेना है बक्कल, इसे रखना है यहाँ पे, ये जो हमने कट किया है अभी, यहाँ पे इसे सिलाई से अटैच करेंगे, और एक हम इस तरफ रखेंगे। ये मैंने रख लिया, सिलाई से अटैच कर लेती हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से अटैच कर ली। अब हमें इस पे सिलाई लगानी है, यहाँ नीचे की तरफ नहीं लगानी है, हम पट्टी लगाएंगे यहां से लेके यहां तक। इस कॉर्नर से शुरू करते हुए इस कॉर्नर तक हम इस पे सिलाई लगा। अब यहां से इसे सीधा कर लीजिए। राउंड में टॉप स्टिच लगा दिया। तो इस तरीके से देखिए, हमारा ऊपर का यहाँ पे एडजस्टर के साथ बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम यहाँ इसके नीचे वाली पट्टी बनाते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया था नीचे के लिए। इस तरीके से मैंने पट्टी के लिए देखिए कपड़ा लिया है, ये मैंने लिया है, इसकी विड्थ मैंने ली है 2.5 इंच इसकी विड्थ ली है, और इसकी लंबाई आपको कितनी लेनी है, इस तरीके से पूरी राउंड में जितनी भी आपकी अंडर नीचे अंडर बस्ट आ रही हो, इस तरीके से नीचे वाली यहाँ पे, या आप जो आपकी पुरानी ब्रा है उसमें से जो नीचे वाली पट्टी होती है वो पूरी मेजर कर सकते हैं, वो लेनी है। वैसे मैं बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। ये मैंने 30 इंच ली है, आगे इलास्टिक हुक वाली पट्टी भी लगेगी, इसलिए मैंने 30 इंच की ली है। तो अब हमें करना क्या है, हम इसे पहले सबसे पहले शेप दे देते हैं। तो यहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं बीच में से। यहाँ से ये फोल्ड है, ये टोटल मैंने 5 इंच लिया है, फोल्ड में यहाँ 2.5 इंच, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और हम इसे शेप दे देंगे। शेप देने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें
वन इंच नीचे की तरफ जाना है, यहाँ से वन इंच पे मैंने निशान लगाया और इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए इसे इस तरीके से तिरछा इसे कट करना है। तो इसकी इसी शेप में कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमारी ये पट्टी आ गई। यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी पट्टी कटिंग हो गई थी। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ पे हमने सेंटर का निशान लगा रखा था, इसे इस तरीके से ओपन कर लीजिए। ये सेंटर का हमने निशान लगाया हुआ है, ये मैंने पट्टी खोल ली पूरी। यहाँ ये जो हमने बनाया इसका ये जो जोड़ है सेंटर वाला, इसे रखना है यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा। सिलाई लगा ली। अब इसे पलट लीजिए इस तरीके से, ये हमारा इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। इस कॉर्नर से हम सिलाई लगाते हुए यहाँ पे पूरा सिलाई लगाते हुए दूसरे एंड तक पूरी इस पे सिलाई लगा। तरीके से यहाँ पे हुक और बटन की पट्टी लगा लेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने स्ट्रैप बनाई थी, हम वो अटैच कर लेते हैं। हम इसे लगा लेते हैं। कैसे लगाना है, पहले मैंने नीचे वाले में से डाला, फिर सेंटर वाले में से निकाल दिया। अगर आपको ना लगानी आए तो आप किसी भी अपनी पुरानी ब्रामे से भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए, तो ये मेरी एडजस्टेबल स्ट्रैप लग गई। एक स्ट्रैप इसके साथ लग गई, एक स्ट्रैप हम इसके साथ लगा लेते हैं। मैंने इस तरीके से स्ट्रैप को डाल दी, तो एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे पीछे की तरफ को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से सीधा रखते हुए इसे इस तरीके से बिछाना है। यहाँ पर रखना है इसे सीध में इस तरीके से, ये मैंने सीध में रखा। यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर इसकी सिलाई लगा लीजिए। एक स्ट्रैप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और एक स्ट्रैप बिल्कुल इस तरीके से सीध में रख। ये मैंने स्ट्रैप को अटैच कर लिया, एक स्ट्रैप इस तरफ और एक इस तरफ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप कुछ भी लगाना चाहें, हुक या बटन की पट्टी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हुक और बटन वाली पट्टी ले रही हूँ मैं। इसे अंदर को फोल्ड कीजिए, अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए ये रखना है इस तरीके से। ये जो पट्टी हमारी है, हाँ ये वाली, इसे रखना है और इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो एक तरफ इस तरीके से पट्टी लगा लीजिए, दूसरी तरफ इसी सेम तरीके से इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए यहाँ पे फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे दूसरी हुक वाली पट्टी डाल लीजिए अंदर की तरफ। इस तरीके से डालते हुए इस पे और इस पे दोनों तरफ इसे अटैच कर ली। इस तरीके से अंदर की तरफ डाल के ये मैंने हुक और आई वाली पट्टी लगा दी है। तो इस तरीके से हुक और आई की पट्टी के साथ ये बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ से बैक साइड, ये फ्रंट साइड, यहाँ से देखिए इस तरीके से। तो फुल कवरेज ब्रा है इस तरीके से, बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आती है। देखिए यहाँ से इस तरीके से, तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गई है।